हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। शिफालिस किचन में मैं भावना गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैंगो आइसक्रीम की तीसरी नई वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज जो हम मैंगो आइसक्रीम तैयार करेंगे उसे हम सिर्फ दो ही चीज़ों से तैयार करेंगे और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। 2 घंटे में आप इसे तैयार कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो मैं सबसे स्पेशल बात आपको बता रही हूँ, इसमें ना तो मैं मिल्क का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही मिल्क पाउडर का, ना ही क्रीम का, ना ही हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे, ना ही हम किसी और फ्लोर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैदा या आटा या फिर सूजी, और ना ही हम यहाँ पे आइसक्रीम मशीन का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही क्रीम का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही जो बेस होता है आइसक्रीम, ना ही उसका यूज़ करने वाली हूँ, और ना ही हम बीटर का यूज़ करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ये तैयार करूँगी, तो इसे देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है आज की, और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 आम लिए हैं, इसे हमने धोकर अच्छी तरह से इसका छिलका जो है ऊपर वाला उतार लिया है, और इसके हम पीसेस के अंदर मैंने इसको कट कर दिया, और हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको बंद करके रख देंगे फ्रीज़र के अंदर आधे या 1 घंटे के लिए। जब तक ये पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं तब तक हम इसे रख देंगे, तो 1 घंटा लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दही ली है, दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा दही। दही मैंने ली है यहाँ पर हैवी वाली जो होती है, बिल्कुल जो पतली होती है वैसी दही हमने यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है। हैवी दही थिक जोन से होती है वो यूज़ करेंगे हम, और इसको हम एक छलनी में डालेंगे। नीचे एक बर्तन ले लेना है हमने, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि सारा जो दही के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। 5 मिनट रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि पानी ये जो है सारा निकल गया है दही का। और अब हम क्या करेंगे, हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर ये वाली दही डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी ली है, और जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए या जितना आप बनाने जा रहे हैं, जितनी आपको आइसक्रीम की क्वांटिटी चाहिए, आप उसी हिसाब से आप मैंगो की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 मैंगो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक मीडियम आकार की कटोरी का यूज़ किया है दही का। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ये मैंगो हमने रखे हुए थे फ्रीज़ करने के लिए, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि फ्रीज़ हो चुके हैं और जम चुके हैं, और इसको मैं निकाल लेती हूँ पानी डालकर थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पीसेस में कट कर दिए। अभी ये बहुत ही हार्ड हैं क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए हैं अच्छी तरह से, और कई बार ऐसा होता है कि घर में गेस्ट आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी हमें कुछ होता है कि जल्दी से हम बनाएं, कुछ मीठा बनाएं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसको बनाने का। बहुत ही बढ़िया है ये आइसक्रीम, घर पर तैयार होती है, बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम तैयार होती है। अब इन दोनों को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है, और मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देती हूँ, और मिक्सी हम चला देते हैं। मिक्सी हमने फुल मोड पे ही चलानी है, क्योंकि काफ़ी जैसे फ्रीज़ किया होता है, जैसे बर्फ़ होती है, ठीक वैसे ही ये इतना हार्ड होता है ये, तो इसके लिए पावर भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सजेशन आपको ये दूंगी, अगर आप मिक्सी कोई नई खरीदने का सोच रहे हैं तो आप सुजाता की मिक्सी का यूज़ करें, बहुत ही अच्छी मिक्सी है ये। और अगर आपको लिंक चाहिए, मैंने इसे अमेजोन से ख़रीदा, तो आप वहाँ भी जाकर इसे ख़रीद सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम बहुत ही अच्छी है, 2 मिनट के अंदर मेरी ये जो आइसक्रीम है इसमें तैयार हो जाती है, अच्छी तरह से बीट हो जाती है, और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा रिज़ल्ट है। जो भी हम सूखे मसाले भी इसमें पीसते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका भी। तो आपको यही कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा मिक्सर ग्राइंडर है अगर आप लेने की सोच रहे हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं और हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार है, बहुत ही क्विक बनती है ये। सिर्फ हमें फ्रीज़ करने का होता है कि हमने मैंगो को फ्रीज़ कर लिया अच्छी तरह से, तो हमारी ये आइसक्रीम तैयार है। अब आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है। जैसे कि हम आइसक्रीम बेस से बनाते हैं, वैसे ही आइसक्रीम ये बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही क्रीमी है, टेस्टी तो होती ही होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर किसी भी तरह की चीनी का यूज़ नहीं किया है, और आपको पता है कि मैंगो के अंदर कितना मीठा होता है, तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून चीनी का यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने इसे जमाने के लिए फ्रीज़र में फिर से रख दिया, और आधे 1 घंटे के अंदर ही ये जम जाती है, अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। तो टोटल 2 घंटे लगते हैं इस आइसक्रीम को तैयार होने में। अगर आप बाज़ार का नहीं खाते हैं, मार्केट से कुछ लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल पता है आपको कोरोना का जो चला हुआ है, तो ऐसे में ज़्यादा बेटर है कि आप घर पर ही बनाएं। और अगर कोई गेस्ट आ भी जाते हैं, वैसे तो कोई आजकल किसी के घर में जा नहीं रहा है, तो अगर आते हैं तो अगर आपने कुछ खिलाना है तो आप ये खिला सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, और 2 इंग्रेडिएंट्स ही हमें चाहिए, आप देख रहे होंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए व्यूअर्स आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स देखिए कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी और बहुत ज़्यादा ये लुकिंग में भी अच्छी बन गई है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।